हमें उस सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। वो नहीं चाहता है कि गरीब का बेटा आगे बढ़े। आज आपने देखा कि किस तरीके से जब महागठबंधन का सरकार बना, जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के लिए काम करने लगे, जातिगत जनगणना करने लगे, देश राज्य में युवा को नौकरी देने लगे, तो फिर भाजपा ने एक षड्यंत्र के तहत फिर से सरकार को नीतीश कुमार जी को पलटी कराकर और कहीं ना कहीं सरकार को पीछे ढकलने का काम किया। आज हमारी सरकार होता, तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार होता, तो आज लाखों युवा को फिर से नौकरी मिल गया रहता। लेकिन खास करके भाजपा सरकार नहीं चाहता है कि खास करके गरीब को नौकरी मिले। तो इसलिए साथियों, इस समय है लड़ने का। एक एक युवा साथी, अपने आप को मजबूत होइए, एक एक गांव में जाइए, एक एक बूथ पे जाइए और संदेश लेके जाइए कि हम आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों को तानाशाह जो दिल्ली में बैठे हैं उनको हटाना है। अभी आप देखिए, ये लोग, एक गांव में कहावत है, चोर भी जोर से बोलता है, जो चोरी करता है वो सीना चोरी करता है। आप देखिए, इस दुनिया में कहीं पे भी इस तरीके से करप्शन नहीं हुआ होगा जिस तरीके से करप्शन मोदी जी के सरकार में हुआ। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए आपने देखा किस तरीके से पहले ईडी का नोटिस भेजता है, सीबीआई का जांच कराता है और उसके बाद उससे चंदा ले लेता है, फिर छोड़ देता है। आज इमरजेंसी जैसा हालत है, दो दो राज्य में मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है। आप सभी को पता होगा कि राज्य में कई मुख्यमंत्री है देश में, लेकिन उसमें से केजरीवाल जी एक नंबर का मुख्यमंत्री थे, जो गरीब युवा के लिए स्कूल बनाने का, अस्पताल में अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया। इस देश में आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री थे झारखंड में, उन्होंने उनको फर्जी पेपर बना के उनको जेल में डालने का काम किया। इसलिए साथियों, अगर सर उठा के जीना है तो संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। आज हम लोग भी अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आज मैदान में उतर गए हैं। इसलिए साथियों, और खास करके हम अपने वीआईपी पार्टी के तमाम नेतागण शुभचिंतक को मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ पे अपने आप को मानिए कि आप खुद स्वयं कैंडिडेट हैं और यहाँ पे बहन अर्चना कुमारी जी के लिए एक एक गाँव में घूमिए, एक एक वोट बूथ पे जाइए और हमारे संदेश को पहुँचाइए और एक एक वोट हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लिए लालटेन छाप नंबर एक पे उनको वोट दिलवा के और उसको विजय बनाइए। तब आने वाला समय में हमारा पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएगा। इसलिए तमाम यहाँ पे सभी नेतागण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, युवा साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।